गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है ऊर्जा को इकट्ठा करना, एनर्जी को इकट्ठा करना, एक जगह पर उसको लगाना। जिसे आप कभी भी देख लेना कि कोई भी बड़ी खोज जो हुई है, चाहे हम बात करें कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन खोजा, या हम बोलें कि जो है वो डीजल इंजन खोजे गए, पेट्रोल इंजन खोजे गए, हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, या बल्ब की खोज हुई, या न्यूक्लियर पावर की खोज हुई, इन सारी डिस्कवरीज को यदि आप गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है ऊर्जा को दिशा प्रदान करना, एनर्जी को इकट्ठा करना, ठीक है, और उसको एक डायरेक्शन देना। दरअसल होता यह है कि ऊर्जा, एनर्जी, हम सब भी एनर्जी के पैकेट्स के समान हैं। अब हमारे एनर्जी के पैकेट को हम या तो बिखेर कर रखें या इकट्ठा कर लें, उसको एक पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट कर लें। जब हम एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो एनर्जी जो है हमको परिणाम देती है, हमको कि हमको उसका रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज क्या होता है कि ऊर्जा तो आपके पास है पूरे समय, और ऊर्जा आपकी जो है वो जा भी रही है, बाहर निकल भी रही है एनर्जी, लेकिन बात वही है कि उसका परिणाम नहीं मिल रहा है आपको। आप पढ़ते हैं ना कि जो है वर्क डन के लिए हम फिजिक्स में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब बल हम सबके पास है लेकिन यदि सही दिशा में डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ये तो बेसिक फिजिक्स हमको सिखलाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, चाहे आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, बस फिजिक्स का बेसिक फंडा याद रखिए, W=FT। फोर्स सही दिशा में लगाइए, डिस्प्लेसमेंट कीजिए, आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कीजिए, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कीजिए, तो काम जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।